कैसे झटपट से तैयार हो गया हमारा मटन विद पोटैटोस। तो रहिएगा मेरे साथ और देखिए किस तरह से आज हम बनाते हैं। बहुत ही सिंपल इजी पोटैटो विद मीट, तो वो भी मेरे स्टाइल से। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगे तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और इसके साथ ही बेल आइकॉन को दबाने से मेरी हर आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सकेगी। और अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगें तो थम्स अप करें। अस्सलाम वालेकुम, आसिया के किचन में वेलकम। मेरे सब व्यूवर्स को मेरा बहुत ज़्यादा सलाम। तो उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल व करम से आप सब ठीक होंगे और अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अच्छा रखे। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही इजी, वेरी सिंपल, जस्ट मटन विद पोटैटो, आलू गोश्त का सालन। तो रहिएगा मेरे साथ और देखिएगा कि किस तरह से आज हम बनाते हैं, क्योंकि कुछ बच्चियां थी कम एज की तो उन्होंने फरमाइश की है। तो चलें देखिए कैसे ये हम बनाते हैं। बहुत इजी है। यहाँ पे हमने एक देचकी रखी है, इसमें हम थोड़ा सा जो ऑयल डाल लेंगे 3/4 टीस्पून, इसमें हम ऑनियन डाल देंगे। ये 2 मीडियम ऑनियन है, इनको मैंने काट लिया था। ऑनियन जो है वो हम ब्राउन कर लेंगे। ब्राउन हो गए हैं, हल्के ब्राउन, इनको ज्यादा ब्राउन नहीं करना। तो अभी हम इसमें डाल देंगे 3-4 लौंग और 2-3 दालचीनी के पीस और साबा जीरा। तो अभी हम इसमें डाल देंगे मीट, इसको हम ऑनियन में हल्का सा जो है वो भून लेंगे। तो अभी हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट एंड 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट। अभी हम इसमें डालेंगे हल्दी 1/2 टीस्पून, तो
और यहाँ पर हमारे पास कुछ स्पाइसेस, सॉल्ट एंड नमक, सुरख मिर्च, सुरख कश्मीरी मिर्च एंड गरम मसाला, जीरा पाउडर और सूखा धनिया। ये हाफ हाफ टी स्पून थे, आप हंस की जरूरत आप डाल लें। जब भी आप मसाला भून रहे हो तो ध्यान रखा करें कि नीचे से जो वो बर्न ना हो, हल्का सा साथ में वाटर का छिड़काव कर लेते हैं साथ साथ में, ताकि ये नीचे से लगे ना। कोई भी चीज़ बनाते हुए इस चीज़ का ख्याल करते हैं। तो अभी जो है हम इसमें वाटर डाल के इसको अच्छे से सॉफ्ट होने के लिए रख देंगे डाल के। हाँ जी, तो वाटर जो है वो ड्राई हो गया है। और मीट देखें सॉफ्ट हो गया, बस थोड़ा सा ये है। अभी हम इसमें जो है वो टमाटर डाल लेंगे। और इसको हम थोड़ा सा जो ये पोटैटो डाल के इसको भून लेंगे। देखिए कितना इजी है। अभी हम इसमें एक ग्रीन पेपर डाल के और एक अभी हम इसमें एक कप वाटर डाल के जो है रख देंगे, ताकि जो पोटैटो जो है ये सॉफ्ट हो जाए। टमाटर जो है वो ड्राई हो गया। पोटैटो एंड मीट सॉफ्ट हो गया, तो अभी हम इसको जो है वो डिशॉक कर लेंगे।
अभी हम इस पे थोड़ा सा हरा धनिया जो है वो डाल देंगे। ओके, आई होप कि मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।